और पंजाब में ईडी की छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हो चुकी है। कई जगहों पर ईडी की रेड अब भी जारी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी ने ईडी अब तक करीब 4 करोड़ 6 लाख कैश बरामद कर चुकी है। ईडी की ये छापेमारी करीब 14 ठिकानों पर जारी है। बताया जा रहा है कि रोपड़ जिले के आसपास और ईडी की कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो इससे पता लग रहा है कि अवैध खनन से होने वाली कमाई आगे कैसे बांटी जाती थी। ईडी पंजाब के कई सरकारी अधिकारियों से मामले को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। महाराष्ट्र में मनुस्मृति के श्लोकों और गीता के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड के विरोध में आज सत्ता पक्ष ने पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड के सिलेबस में लागू मनुस्मृति का विरोध करते समय बाबा साहेब का पोस्टर फाड़ने के मामले में सियासत तेज हो गई। बीजेपी सहित पूरे सत्ता पक्ष ने आज जितेंद्र आहवाड के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पोस्टर फाड़ने के मामले में जितेंद्र आहवाड के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हो चुका है। वहीं कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन के आरोप में रायगढ़ के महाड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने लगी है और लगातार विरोध के बाद आहवाड ने माफी भी मांगी है।